हमें मिलते थे, मतलब पोल्ट्री फार्म के बाहर। इससे ये पता चलता था कि द टाइगर वॉज गोइंग टू द पोल्ट्री फार्म एट द नाइट एंड ही वॉज ईटिंग द चिकन्स, ही वॉज ईटिंग द चिकन फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वरांडा। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप फॉर मोर ऑफ्टन। अब उसे कई बार चेन पर क्या कहता था, फ्रीक्वेंटली ही वॉज चेन्ड अप, क्योंकि लोगों को अब उससे क्या लगने लगा था, डर लगने लगा था। ही वॉज बिकमिंग क्वाइट डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वॉट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, फिर धीमे धीमे वो महमूद का पीछा करने लगा, मतलब घर के अंदर ही वो महमूद का क्या करता था, पीछा करता था। उसकी नज़रों से, उसकी आंखों से, उसके विजन से देखने से ऐसा लगता था कि ही वॉज गोइंग टू अटैक बिकॉज ही लुक्स वेरी विलेनस। ही लुक एट महमूद विद द विलेनस आईज, मतलब वो एक विलेन की आईज से उसकी ओर देखता था। एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज द टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ ज़ू। नाउ द ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम इन अ ज़ू बिकॉज नाउ ही इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ग्रैंडफादर। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द ज़ू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। तो उन्होंने क्या किया, सो ग्रैंडफादर रिजर्व्ड अ ट्रेन कंपार्टमेंट फॉर द, और पूरा एक ट्रेन का डिब्बा ही उन्होंने रिजर्व कर लिया, किसके लिए, फॉर टिमोथी। एंड ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो इनसाइड द कंपार्टमेंट एंड ही वेंट टू लखनऊ टू ट्रांसफर टिमोथी टू द ज़ू। यू नो लखनऊ में एक चिड़ियाघर है ना बच्चों, उसी में टिमोथी को ट्रांसफ़र करने के लिए वो पूरे कंपार्टमेंट को उन्होंने बुक करा लिया। ज़ू जो अथॉरिटी थी, मतलब जो ज़ू के जो मालिक थे, वो सभी क्या हो गए, देवर वेरी टू ग्लैड, सब बहुत ही खुश हो गए रिसीव करके गिफ्ट, क्योंकि ज़ू में जनरली जानवरों को बुलाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें बना बनाया वेलफेड मतलब खाया पिया एकदम मजबूत शेर उन्हें दिया जा रहा है, सॉरी शेर कह रही हूँ, भाग उन्हें दिया जा रहा है, तो ये उनके लिए खुश नशीबी की बात थी, नहीं तो उन्हें खरीदना पड़ता है। सो दे रिसीव्ड अ गिफ्ट वेलफेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसको कुछ तौर तरीके भी सिखाए गए थे। जनरली जो शेर या बाघ जंगलों से ला करके जू में रखे जाते हैं, उनमें वो सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है, उन्हें कुछ सिविलाइज्ड बिहेवियर सिखाना पड़ता है ज़ू वालों को, लेकिन यहाँ तो उसके पास ऑलरेडी सिविलाइज्ड बिहेवियर था, इसलिए इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ज़ू अथॉरिटी टू गेट अ टाइगर इन द गिफ्ट हु इज वेल फेड एंड सिविलाइज्ड। अबाउट 6 months लेटर when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. And I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. So after 6 months, when the tiger was transferred to Dehradun, after 6 months, grandfather again visited to Timothy and he went to zoo to visit Timothy. He found Timothy was good and he was not there to accompany with him. मतलब कि जो आपका narrator है, he was not there in the zoo with grandfather to visit Timothy. But I heard all about it when I returned to Dehra. So it means when the narrator returned to the Dehradun to his grandfather again told him about what happened to the zoo.
Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. मतलब जहाँ पर जू तिमोथी को रखा गया था, directly grandfather कहाँ गए? वहीं गए. And the tiger was there, crouched in a corner, full grown with a magnificent striped coat. जो टाइगर था अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका था. Before 6 months is it was transferred and then before 6 months he was of 18 inches long. वो 18 इंच का छोटा सा बच्चा था और 6 महीने में वो फुल ग्रोन हो गया था. और अब जब वो 1 साल बाद उसे देखे तो वो कितना बड़ा हो चुका था, वो बहुत बड़ा हो चुका था. ही वॉज फुल ग्रोन, वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, फुल ग्रोन हो चुका था विद अ माइट वाइट मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट. उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रिप से पूरी क्या हुई थी, भर गई थी. एंड ही वॉज लुकिंग वेरी मैग्निफिशेंट, मतलब बहुत ही अद्भुत लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में. हेलो तिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसे क्या बोला, हेलो तिमोथी, और अपनी बाहें अपन जो वो जो केज था उस केज के अंदर डाली. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. So, when the tiger approached to the cage towards grandfather, grandfather again used the same way what he did at the older days of the tiger. मतलब जो टाइगर छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर क्या करते थे, उसके ग्रैंडफादर उसे चुप कराने के लिए उसके सर पर एक छोटी सी थपकी देते थे. स्ट्रोक मतलब होता है थपकी देना. एट टाइगर्स फोरहेड, टाइगर के फोरहेड पर वो इसे थपकी देते थे. एंड टिकल्ड हिज ईयर, उसके कानों को छूते थे, मसलते थे. एंड व्हेनेवर ही ग्राउंड, जब वो गुस्साता था मतलब जब वो दहाड़े मारता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके माउथ के पास क्या करते थे, स्मैक करते थे, मारते थे उसके 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 जो ये हिस्सा था, उसके जो स्टबल था उस पर मारते थे. विच वॉज हिज ओल्ड वे टू कीपिंग हिम पट, उसको शांत कराने के लिए उसके चेहरे पर उसके माउथ पर क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे तो वो चुप हो जाता था. ओके उन्होंने सेम तरीका अपनाया उसे चुप करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, गुर्रा रहा था. यू कैन सी what the grandfather did at the zoo in the picture. Okay, then he licked grandfather's hand, only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. उसके बाद वो क्या करने लगा, grandfather के हाथों को lick करने लगा. Lick करना मतलब होता है चाटना, बच्चों को तो चाटने लगा. Because he was pet, you know that he was pet, and earlier times he was living with grandfather, and he was totally knowing and recognizing grandfather's hand. Okay, so only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. उसके बाद उसके दूसरे केज पर क्या रखा हुआ था, एक लेपर्ड को रखा गया था. लेपर्ड उसके ऊपर गुर्राया तो वो क्या किया, वो पीछे की ओर झटका मार के नीचे पीछे खिसक गया. Grandfather shooed the leopard away. उसके बाद शूट मतलब होता है, शूट मतलब होता है किसी को दुत्कार के भगाना. शूट करना मतलब क्या होता है, किसी को दुत्कार के भगाना. जो दुत्कार के भगाना क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो डॉग होता है जैसे आपके ऊपर भौंकने लगे तो आप क्या करते हो, हट हट करते हो ना. ये प्रैक्टिस हुई, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, शू करना. शूट करना मतलब भगाना, भगाना किसी भी जानवर को भगाने को हम क्या बोलते हैं, शूट करना. ये वही वर्ड लिखा है शूट. उसके बाद मतलब ये वर्ड कैसे बना है इसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ. ये जो शूट वर्ड है ये बना है शू वर्ड से, SHOO, इसका मतलब होता है भगाना. तुम उन्होंने जनरली एक एक्सक्लेमेशन सुना होगा जब इंसान, जैसे हमें किसी जानवर को भगाना था हम क्या कहते हैं, शू शू. तो इंग्लिश में लोग जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हट हट, वैसे अंग्रेजी में लोग बोलते हैं शू शू. तो ये शू वर्ड उसी से बना है, ठीक है. सो ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. फिर जब लेपर्ड जो था वो तिमोथी को क्या कर रहा था, डरा रहा था,
इसलिए तिमोथी भाग रहा था, मतलब वो पीछे हट रहा था। तो लेपर्ड को हमारे हमारे ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसे शूट किया, दूर हटाया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, उसके बाद टाइगर वापस आ गया और वापस से उनके हाथों को लिक करने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। बार बार लेपर्ड जो था वो अपने केज के पास आ रहा था, जिस तरफ तिमोथी रखा हुआ था उस तरफ वो आ करके बार बार धक्का मार के बार्स की ओर चला जा रहा था, मतलब ही वॉज इन द मूड टू अटैक ऑन तिमोथी। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वॉज डूइंग। सो उसके बाद काफी लोगों ने वहां पर भीड़ लगा ली जब उन लोगों ने ग्रैंडफादर और उसका मिलन देखा, तो लोगों ने भीड़ लगा ली। लेकिन कीपर ने, ये जो वहां पर वॉचमैन देख रहे हो, ही टोल्ड क्राउड टू मूव अवे, ही टोल्ड क्राउड टू मूव अवे। देन आई एम टॉकिंग टू तिमोथी हु इज गोइंग टू लीड नाउ। हर्षिता रीड बेटा। मैम बात कहाँ से? आई एम टॉकिंग टू तिमोथी। Surprised keeper को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि एक टाइगर को इसने दिया था। जनरली मैंने बताया ना कि जू क्या होती है, जू में लोग खरीदते हैं, जो जू के मालिक होते हैं वो लोग जानवर खरीदते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, जानवर खरीदा थोड़ी गया था, उसे तो वो तो मिला था जू वालों, है ना। तो उसने बताया कि नहीं मैं तो इतना पुराना नहीं हूँ यहाँ का, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, ठीक है अगर आप बात कर रहे हैं तो आप यू कीप ऑन, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं यहाँ का कीपर हूँ उसके बावजूद भी मैंने इसे टच नहीं करा, पता नहीं आप कैसे इसे टच कर ले रहे हैं। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, वो यह बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी कौन गुस्सा हो जाता है, टिमोथी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड मतलब उसके अंदर टेम्परेशन पावर बहुत कम है। व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, द लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, आई विल गो टू सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तो हमारे ग्रैंडफादर ने कीपर से बोला कि आपको टिमोथी को किसी और केज में रखना चाहिए, किसी और प्लेस में, क्यों, क्योंकि जो लेपर्ड है वो बार बार हमारे टिमोथी को डरा करके एक कोने भगा देता है, तो इसलिए इसे ये डर कर ना रहे, बिल्कुल निडर रहे, इसलिए इसको दूसरे केज में भेजा जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बारे में सुपरिटेंडेंट से बात कर लूंगा। ओके देन Grandfather went in the search of superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. So after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye, and it was beginning to get dark. उसके बाद grandfather also went to the superintendent, but superintendent was absent because he left the zoo early. ओके उसने वो जल्दी ही घर चला गया था उस दिन, तो उसने उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ग्रैंडफादर दोबारा जू में थोड़ा बहुत घूमे, एंड ही अगेन रिटर्न्ड बैक टू टिमोथी टू से गुड बाय टू टिमोथी, एंड इट वाज बिगिनिंग टू गेट डार्क, बिकॉज इट वाज गेटिंग डार्क सो ही आल्सो लेफ्ट द जू। नाउ हु इज गोइंग टू रीड द चैप्टर, राम यादव रीड द चैप्टर। शिखा मिश्रा रीड द चैप्टर बेटा। शिखा मिश्रा उत्कर्षी रीड द चैप्टर बेटा। Okay, he had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. इसके बाद उन्होंने कुछ देर तक, मतलब चूंकि रात हो रही थी, उससे पहले ग्रैंडफादर ने उसे क्या किया,
उसके चेहरे पर वो स्लैपिंग कर रहे थे, बार बार थपकेड़े मार रहे थे, मतलब उसको थप्पड़ मार रहे थे, तिमोथी को खेल रहे थे उसके साथ। एंड 5 मिनट तक व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर, उसके बाद दूसरा कीपर आ गया और उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, उसने बार बार वो उन्हें मना कर रहा था कि ऐसा मत करिए टाइगर से, वरना टाइगर गुस्सा करके हो सकता है काट भी ले। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसको वो पहचान गए, ग्रैंडफादर उस वाले कीपर को पहचान गए। क्यों? क्योंकि जब कीपर, वो कीपर वही कीपर था जब वो तिमोथी को यहाँ पर लाए थे, उस वक्त वो कीपर वहाँ पर काम करता था, तो उन्होंने उसे पहचान लिया और उसने कहा, यू रिमेम्बर मी, सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। उन्होंने कहा, आपको याद है मेरे बारे में, मतलब मैं आपको याद हूँ, क्यों नहीं आप तिमोथी को ट्रांसफर कर देते हो किसी दूसरे केज में स्टूपिड लेपर्ड से दूर, क्योंकि ये क्या करता है, बार बार तिमोथी को डराता है। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकला कर बोलना, स्टैमर करते हुए, कीपर ने स्टैमर करते हुए बोला, लेकिन सर इट इज नॉट योर टाइगर, बट ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, हाँ हाँ मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं रहा, मैंने इसे दे दिया है, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, कम से कम आपको मुझसे एक दो सलाह तो लेनी चाहिए। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, एंड ही डाइड 2 मंथ्स अगो। उसने क्या बताया ग्रैंडफादर को, कि मुझे आपका टाइगर अच्छे से याद है, वो तो 2 महीने पहले ही गॉन अप डेड। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, एंड नाउ इट इज वेरी सैड न्यूज फॉर द ग्रैंडफादर दैट ही गॉट डाइड। यस सर, ऑफ न्यूमोनिया, द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। उसके बाद उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, भी वो कुछ ही दिन 2 महीने पहले न्यूमोनिया से मर गया, न्यूमोनिया जानते हो, जो ठंड लग जाती है तो न्यूमोनिया हो जाता है, तो वो न्यूमोनिया से मर गया। एंड दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ व्हेन ही इज वेरी डेंजरस। और जिस टाइगर के साथ आप खेल रहे थे, एक्चुअली इसे हमने पिछले महीने हमने पहाड़ियों से कैद किया है, और ये बहुत ही क्या है, डेंजरस है, आदमखोर है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब जो कि ग्रैंडफादर जो कि इतने देर से अभी तक टाइगर के साथ खेल रहे थे, अभी उनकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मतलब वो ही गॉट सरप्राइज दैट ही वॉज प्लेइंग विद अ टाइगर हु इज वेरी डेंजरस एंड ही वॉज नॉट नोइंग हिम। एंड टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, लेकिन टाइगर फिर भी उनके हाथ को क्या कर रहा था, चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलिश, मतलब कि और भी ज़्यादा अपनी ढेर सारी क्या कर रहा था, लार गिरा रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। उसके बाद ग्रैंडफादर को समझ में आ गया कि वो उसका हाथ बहुत देर से क्यों चाट रहा है, वो बहुत ही जल्दी ग्रैंडफादर के हाथ पर अटैक करने वाला था, इसलिए ग्रैंडफादर के हाथ को वो बहुत देर से लिक कर रहा था। फाइनली ग्रैंडफादर को जब ये बात पता चली, उन्होंने क्या किया, अपना हाथ वापस से बाहर निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मंबल्ड, अपने अभी जो टाइगर भी उसके बगल में था उसके ऊपर देखकर उन्होंने कहा, गुड नाइट तिमोथी, उसके बाद उन्होंने उसे गुड नाइट तिमोथी कहा, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द ज़ू, और उसके बाद वो एकदम दौड़ते हुए जू से बाहर निकल गए। सो द स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड। तो व्हाट वी कुड नो अबाउट द स्टोरी, व्हाट वी केम टू नो अबाउट द स्टोरी क्लास, हु इज गोइंग टू टेल मी द रिजल्ट ऑफ द स्टोरी। हर्षिता यादव, आर यू एबल टू टेल द रिजल्ट ऑफ द स्टोरी? Anyone of you kindly tell what happened at the last?
यस बेटा टेल At the last, grandfather realized that the tiger was not of his hand. The tiger was a strange tiger and he was licking his arm because he was wishing to eat grandfather's hand. Understood? So the at last, grandfather came to know about the bad news of the death of Timothy. Okay? Now class, revise the chapter and after that I'll ask some question.